अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वेलकम टू सबिलास किचन। आज हम बताएंगे कि बिल्कुल हलवाई के जैसी गाढ़ी और थिक दही हम कैसे जमा सकते हैं। ये मैं बताऊंगी जामुन के साथ भी कैसे जमाते हैं और बिना जामुन के भी आप ये दही कैसे जमा सकते हैं। यहाँ पर दही दूध है मेरे पास, ये एक दिन पहले का दूध है क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि दूध बचता है तो हम उससे दही जमा लेते हैं। अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है, दही हमारी और भी अच्छी बनेगी। तो इसको सबसे पहले हम गर्म करेंगे। ये दूध मैंने गैस पर रख दिया है और ये दूध हमें थोड़ा सा तेज़ गर्म करना है, बहुत हल्का सा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन पहले का दूध है। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर दूध पहले का होता है तो हल्का सा गर्म करके उससे हम दही जमा लेते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तेज़ गर्म करूँगी। जब हम बिना जामुन के दही बनाएंगे तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ये पहले से बना कर रखना होगा। तो इसमें मैंने दही में ये 4 बादाम भिगा कर रखे हुए हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है, नहीं तो मेरे पास और बादाम भी रखे हुए हैं। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रखा हुआ था, अब ये फूल गए हैं। अब मैं इसमें से इसको निकाल दूँगी और इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से और कपड़े से पोंछ कर इसको एक दिन के लिए सुखा देंगे। ये बादाम मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, मैंने बनाकर मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ और जब भी मुझे दही जमानी होती है और जामुन घर में नहीं होता है तो मैं फ्रिज में से निकालती हूँ और इन बादाम से मैं दही जमा लेती हूँ और इससे दही बहुत ही अच्छी टेस्टी और थिक दही जमती है। अब ये दूध मैंने तेज़ गर्म कर लिया है, आप एक कप की हेल्प से या 2 बर्तन ले सकते हैं, उससे हम इस तरह से दूध को ठंडा करेंगे। इससे क्या होगा, दूध हल्का हो जाएगा, ऊपर झाग आ जाएंगे तो दही इस तरह से बहुत अच्छी जमती है, ऊपर मलाई भी आती है अच्छी। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ऊपर झाग आने लगे हैं। या तो आप 2 बर्तन ले लें, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप इस तरह से थोड़े से ऊंचे से दूध डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें झाग बने। अब ये दूध बिल्कुल हल्का हो गया है और ऊपर से इसमें इतने सारे झाग आ गए हैं, इसको कम से कम मैंने 20-25 दफ़ा ऊपर से पलटा था। अब मैं इसको मिट्टी के बर्तन में जमाऊँगी क्योंकि इसमें दही बहुत ही अच्छी लगती है जमी हुई। आप चाहें तो इसी के अंदर भी इसी तरह भी इसमें जमा सकते हैं, किसी भी बर्तन में, स्टील के, सिल्वर के, लेकिन मिट्टी के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो दही का मज़ा डबल हो जाता है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है दही। साथ में हम इसके झाग भी डाल देंगे। बिल्कुल हल्का गुनगुना दूध है ये और ये मैं इसमें कर दूंगी, इसको हम जामुन से जमाने वाले हैं। इसमें हम ये बादाम डालेंगे जो हमने रखे हुए थे बनाकर, इसमें 2 बादाम काफ़ी हैं। और इसमें डालेंगे हम दही, जामुन, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं बस क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा दूध है, 1 कटोरी करीब दूध है इसमें। ये बादाम आप बना कर रख लें, बहुत ही अच्छी से दही जमती है और 10-12 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे दही जमाऊंगी और इसको वापस से धोकर और सुखाकर वापस फ्रिज के अंदर रख दूंगी। अब गर्मी का टाइम है तो अब मैं इसको ढककर किचन में एक साइड रख दूंगी और पूरी रात के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से जम जाए ये। ये दही हमारी बिल्कुल जमकर तैयार है, बहुत ही गाढ़ी और थिक दही जमी है। दूध हमारा बहुत पतला था, इतना गाढ़ा भी नहीं था, एक दिन पहले का दूध यूज़ किया था मैंने। अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो इससे भी अच्छी दही जमेगी और ये हमने जामुन से जमाई थी, ये भी बहुत अच्छी जमी है। इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था। गर्मी का मौसम है, अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको किसी गर्माहट वाली जगह पर रखें, कंबल के अंदर, तौलिए के अंदर इसको, तभी आपकी ये दही अच्छे से जमेगी। अब मैं इसको आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। कितनी गाढ़ी दही है, जैसे बिल्कुल हलवाई जैसे जमाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की दही हमारी जमकर तैयार हो गई है। ये ऊपर अच्छी मोटी मलाई भी आ गई है इसमें, और इसमें से भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट दही जमी है।
बहुत ही गाढ़ी और परफेक्ट दही हमारी ये जमी है। इसमें से बादाम मैंने निकाल दिया है, इसको दोबारा से धोकर सुखाकर हम फ्रिज में रख देंगे, इससे दोबारा से हम दही जमा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।